बहुत बहुत मुबारक आप इन सभी लोगों को, इनमें से सभी लोगों को मैं बहुत पर्सनली जानता हूँ। और सबसे पहले अगर मैं सीरीज की बात करूँ तो मैं 1998 से इनको जानता हूँ। 1998 में जब ये फैशन डिजाइनिंग करके निकले तब नेटवर्क मार्केटिंग में आए और वहाँ से इन्होंने अपने करियर के रूप में इस बिजनेस को लिया। आज इस मुकाम पर पहुँचे मुझे बहुत खुशी है। लाज मैं इस सेमिनार में आया भी नहीं कि लाल रंग की शानदार मर्सिडीज बेंज में हूँ। एंड एक बार फिर से मुबारकबाद सर, आज दिन आपका है तो मेरे से ज़्यादा समय आप लीजिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है मेरा नाम शिरीष माथुर है। बाय क्वालिफिकेशन फैशन डिजाइनर हूँ और आज से लगभग 18 साल पहले इस इंडस्ट्री में आया था। एज ए स्टूडेंट जब आया था बड़ा कंफ्यूज था कि इस इंडस्ट्री में अगर कैरियर बनाना है और आगे क्या सिक्योरिटी होगी या नहीं, तो वहाँ सिद्धार्थ सर की एजुकेशन ने, ग्रॉस केस एजुकेशन सिस्टम ने बहुत हेल्प की। साथ में ये बताया कि जितना कंसिस्टेंटली हम लगातार इस इवेंट में, इस तरह के सेशंस में, ऐसे प्रोग्राम्स में लगातार आएंगे तो जितने भी चैलेंजेस आपके साथ आते हैं वो धीरे धीरे ओवरकम होते चले जाएंगे। मैं जब इस बिजनेस के अंदर आया था वेस्टीज में तो मेरे पास एक सेकेंड हैंड ऑल्टो थी। उसके बाद जब वेस्टीज कार फ्रंट के जरिए पहली i20 गाड़ी टॉप मॉडल, उसके बाद 9 महीने पहले क्रेटा टॉप मॉडल ऑटोमेटिक गाड़ी और अभी मर्सिडीज बैंक की CLF 141 लाख रुपये की, और ये सब कुछ संभव हुआ इस तरह के एजुकेशन सिस्टम की वजह से। मैं सिर्फ आपको ये भी मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप इस बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा कामयाबी लेना चाहते हैं तो लगातार लगातार आते रहिए। एजुकेशन का कोई तोड़ नहीं है, जितनी ज़्यादा एजुकेशन आप लेंगे उतना ही जल्दी आप यहाँ आगे जाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू वेल। थैंक यू सुधीर जी, एक बार बहुत बहुत मुबारक। आगे मैं इन्वाइट करूँगा हमारे अगले लग्जरी कार अचीवर धर्मेंद्र मान जी को। इनसे मेरा परिचय हुआ आज से चंद साल पहले, कोई पाँच छः साल पहले, और इससे पहले इन्होंने अन्य कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम किया। अभी पीछे ही मेरे साथ जिक्र कर रहे थे कि मुझे इन्हें 7-8 साल लग गए ये सोचने के लिए कि मैं कार ले सकता हूँ, और उसके बाद कार के बाद जब लग्जरी कार की सोच बनी तो आज वो आ गई। हर काम दुनिया में 2 बार होता है, एक बार हमारे जहन में अर्थात हमारे ब्रेन में, माइंड में, एंड देन फिर रियलिटी में। आज आपकी सक्सेस के लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूं और मुझे पूरा यकीन है कि आप आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी सफलता को आप लगातार अर्जित करके चले जाएंगे। एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारक सर, आज आपका दिन है। थैंक यू सो मच सर। धर्मेंद्र मान मेरा नाम है और आज मैं जहाँ भी हूँ, जो भी हूँ, आज वो मैं सिद्धार्थ सर की बदौलत हूँ। आपसे पहले जब तक सेमिनार में आने का मौका मिला यही आकर के मेरा विजन बढ़ा हुआ। सर की SBC में जाने का मौका मिला था मुझे मंसूरी के अंदर, जो मैंने पहला जिम कॉर्पोरेट के अंदर जो मैंने पहला प्रोग्राम अटेंड किया था 2014 में। वहाँ से जाकर के मुझे पता लगा था कि अगर आप अपने ब्रेन को कोई भी ऑर्डर दो तो वो पूरा हो सकता है, और उसी को लगातार फॉलो करते हुए सर की गाइडेंस में, सच बताऊँ मुझे कभी भी भरोसा नहीं था कि मैं लग्जरी कार ले सकता हूँ। मैंने 10 साल किसी दूसरी कंपनी में काम किया, 6 साल मुझे वेस्टीज में हुई, 10 साल के बाद तो मुझे ये लगा था कि शायद मैं कार ले पाऊंगा। और वेस्टीज में भी आज से 3 साल पहले मुझे सर की ट्रेनिंग में जाकर के ये फील हुआ कि हाँ मैं लग्जरी कार ले सकता हूँ। और देखिए सर के आशीर्वाद की वजह से आज ये सब है। और सर लग्जरी कार से भी ज्यादा बड़ा जो हम लोगों के लिए वो आपका आशीर्वाद है, आपकी इज्जत फरमा रही है, लग्जरी कार से भी ज्यादा है। थैंक यू सो मच। तो मेरे घर में लोग कहते हैं कि करता क्या है तू, ये तो बता। तो मतलब अल्टीमेट लेवल पर भी कहीं बाहर आना जाना हो तो फ्लाइट से, मेरी माता जी कहते हैं तो बोलना पड़ता है ज्यादा, कैसे पागल लोग हैं बोलने के लिए मुझे हाथ में टिकट भेज देते हैं। बहुत खुश है सभी लोग, बहुत अल्टीमेट लेवल पे, बहुत ब्लेसिंग है सबकी तरफ से। सर मैं क्या करता हूँ, मेरे घर वालों को आते समझ नहीं आया तुम्हें कैसे। हमारे अगले अचीवर, इनसे मेरी मुलाकात हुई तकरीबन 5-1 वर्ष पहले, और जिम कॉर्बेट में हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था, तो वहाँ से आए थे उसको लेने के लिए। कुमार की एनर्जी, इन्होंने पहली बार कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में कार्य किया, इससे पहले कभी किसी कंपनी में कोई काम नहीं किया था। लेकिन शुरू में इनकी काबिलियत ये थी कि अपने जो भी इनके अप्लाइंग कहते थे ये हमेशा उसको फॉलो करते थे, जिसकी वजह से आज ये यहाँ पहुँचे। और बहुत मुबारक हो, इसी लर्निंग को, डेडिकेशन को आप आगे भी बरकरार रखिए और खूब आगे सफल निरंतर होते जाइए। कंग्रेचुलेशन। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश अग्रवाल है। तरह सर मैंने महीने पहले मैंने शुरू किया था, इससे पहले मेरा अपना मोबाइल ट्रेडिंग का काम था। जब मैं इस बिजनेस में आया था बहुत ज़्यादा कर्जे में था, बहुत ज़्यादा परिवार की स्थिति खराब थी, पढ़ा लिखा मैं ज़्यादा नहीं था,
तो मुझे जब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में वेस्टीज के बारे में पता चला तो पहली बार मौका मिला सिद्धार्थ सर से मिलने का गाजियाबाद के अंदर। जब देखा ये 24 लाख रुपए महीने की इनकम थी तो मैं इनसे इंस्पायर हुआ कि जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, और बस मुझे तलाश थी ऐसे लोगों की। फिर मुझे मिले मेरी अपलाइन में मिस्टर सतपाल अधाना और मिस्टर लोकेश से थी, और मैंने उन दोनों के नेक्स्ट कदम पे मैं फॉलो करता चला गया, और पार्ट टाइम में मुझे 12 महीने के अंदर 1 लाख रुपए पहुंचने में लगा। उसके बाद में मैंने फॉरेन ट्रिप अचीव किया, पहली गाड़ी इको स्पोर्ट अचीव करी लगभग 12 महीने में, उसके बाद में होंडा अमेज अचीव करी, 8 महीने पहले मैंने इग्निस ली थी कैश डाउन, और अभी शनिवार के दिन मैंने 2 गाड़ी सिलेरियो एक्स और ऑडी Q3 का टॉप मॉडल दोनों परचेज किए। दोस्तों 4 लोगों के सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन आज इतने सारे लोगों के सामने बोल पा रहा हूँ। फॉरेन ट्रिप हो गया है इस बिजनेस से, और मैं और मेरा ब्रदर हम दोनों इस बिजनेस को करते हैं फुल टाइम मिसेज के साथ में मिलके, हम तीनों लोग डेडिकेट हैं अपने सफलता को लेकर। राइट, और 63 महीनों के अंदर अगर मैं अपनी इनकम की बात करूँ तो मैं और मेरे ब्रदर लगभग लास्ट पिछले अगस्त के अंदर हम 1,10,00,000 रुपये अर्न कर चुके हैं। बस ये सब हो पाया अपलाइन की गाइडलाइन की वजह से, जो अपलाइन ने कहा मैं करता चला गया, और मेरा ये है कि अब मुझे दोबारा से अगले 1 साल के अंदर इस इनकम को लगभग 4 गुना पहुंचाना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू रमेश जी। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे अगली लग्जरी कार अचीवर को, इंदु जी को। इनसे मेरी मुलाकात इसी हॉल में हुई थी, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस दिन मेरी ही ट्रेनिंग थी। मैडम ने वो ट्रेनिंग लेने के बाद में मुझसे थोड़ी बात करी और ये बहुत इंस्पायर हुई, और तब मैंने इन्हें कहा था कि मैम अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप जो चाहें वो आप अचीव कर सकते हैं। कार और कोई लेवल या कोई भी लेवल ऑफ इनकम आप कुछ भी कर सकते हैं, बस बशर्ते लगातार आते रहिएगा इस माहौल में, इस एटमॉस्फेयर में, ताकि बिलीफ सिस्टम आपका बना रहे। मुझे बहुत गर्व है कि आपने जो भी सीखा उसको फॉलो किया, आप यहाँ पहुँचे, एंड आगे भी आप इसी तरीके से और भी ज़्यादा सक्सेस हमेशा देते रहें। आपकी टीम में बहुत लोगों को आप आगे सक्सेसफुल बनाएं, हमेशा खुश रहें। दिस इज़ माई विश फॉर यू एंड फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच मैम, ले लीजिए प्लीज़ अपनी जर्नी थोड़ी सी आप हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम इंदु त्यागी है, मैं गाजियाबाद से हूँ। सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगी ऊपर वाले का, ये स्टेज आज मुझे दिया। आज से 4 साल पहले मैं इसी जगह तीसरी रो में बैठी थी, जब सर ने जैसा बताया मेरा डायरेक्टर रेकग्निशन था और सर की ही ट्रेनिंग थी। उसी दिन अपने आप पे पहली बार विश्वास हुआ था, क्योंकि बचपन में जो ड्रीम देखे थे उन्हें देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाती थी, जो सर ने ड्रीम देखना सिखाया। उसके बाद थैंक्स मेरी ग्रेट अपलाइन मिसेस एकता सहदेव और राजीव सर, आज इनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। मैंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं जाना, नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, कैसे नेटवर्क बनाते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। 2014 में बहुत बीमार थी, ऑन बेड थी। एकता मैम ने कुछ सप्लीमेंट दिए, यूज करे, 1 साल यूजर रही। ये एकता मैम का ही विश्वास था, वो हमेशा बोलती थी दीदी आप बहुत अच्छा काम कर सकती हो, और मैं कहती थी कि मुझको ये नेटवर्क बनाना नहीं आता, मुझे नहीं पता कैसे लोगों को जोड़ना है, क्या करना है, बट इनका विश्वास था कि आप बहुत अच्छा कर सकती हो। जिस दिन मेरा अपना विश्वास जागा वो यहीं से जागा, इसी प्लेटफॉर्म से। थैंक यू सिद्धार्थ सर बार बार। और उसके बाद सबसे बड़ा जो मेरा ड्रीम सेट हुआ वो पहला एक ही हुआ था, जब मैंने MMI से BMW का, और जब मैंने घर आके डिस्कस किया तो मेरे हस्बैंड से मेरी 1 हफ्ते लड़ाई गई थी। तो उन्होंने, हमारे घर में ऑलरेडी 2 गाड़ियां थी हस्बैंड के पास, पर वो ये कहते थे कि तुम कैसे सोच सकती हो BMW, तुम्हारे खानदान में भी किसी ने लिया है? तो मैंने कहा नहीं ली, मैं लूंगी और आपको गिफ्ट करूंगी, मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट होगी। मेरा चेक अभी 1,25,000 प्लस का है,
और मैंने वो सोचा है कि 2019 मेरा चेक 5 लाख होगा तो होगा, और 2019 के लास्ट में मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ 1 महीना स्विट्जरलैंड के ट्रिप पे जाऊंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत बधाई। लेकिन आप चारों लोगों के लिए एक एडवाइस है, अगली बार सारे के सारे काजू की बर्फी मत लेके आया करो।